हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज अपन आए हुए हैं कालीबाड़ी पर। आप लोगों का कहना था भैया कालीबाड़ी की मूर्तियों का ब्लॉग बनाइए, तो मैं आपके लिए आ गया हूँ कालीबाड़ी। और आप मेरे सामने देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। आप देख ही रहे हैं और मैं आपको दिखाऊँगा। और कैसे हैं आप सभी, जय माता दी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और एक कहना मेरा आपसे हमेशा रहता है कि फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और आपका प्यार ऐसा ही बना रहे, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ माता रानी के मूर्तियाँ करिए माता रानी के। ये आपके कहने से ही मैं यहाँ पर आया हूँ आज कालीबाड़ी, जो अपने रानी कमलापति स्टेशन के पास सांची दुग्ध का जो प्लांट है उसके पास से यहाँ आने के लिए रास्ता है। आप सभी कह रहे थे कि भैया मुझे वहाँ का ब्लॉग बनाइए दिखाइए, तो आज आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और आप देख सकते हैं वाकई में बहुत ही सुंदर प्रतिमा है माता रानी की। ये पूरी बंगाली पैटर्न में है। आप लोग खुद मुझे बता रहे थे कि भैया वहाँ पर अलग अलग थीम पे देवी जी बनाई गई हैं, तो आप सही कह रहे थे। ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर काली जी बनाई हैं यहाँ पर भैया ने। और आप लोग बता भी रहे थे मुझे कि वहाँ पर बहुत सुंदर काली जी बनाई गई हैं। वाकई में मैं आज यहाँ पर आया हूँ जब कलर कम्प्लीट हो गया है। इससे पहले का मैंने ब्लॉग बनाया नहीं था, आज माता रानी पर कलर हो गया इसलिए मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। देखिए आप देख पा रहे हैं कितनी सुंदर काली जी बनाई गई हैं। उनका बहुत विकराल रूप है काली जी का। ये देखो आप दोस्तों, कितनी सुंदर प्रतिमाएं हैं यहाँ माँ जगत जननी की। ये देखिए आप, एक और काली प्रतिमा है काली जी की, और बहुत ही विकराल रूप है माता रानी का, आप देख पा रहे होंगे। ये सब बंगाली पैटर्न में बनाई गई हैं। ये काली जी का चेहरा है, आप देख पा रहे होंगे। ये भगवान शंकर जी आप देख रहे हैं यहाँ पर, भगवान शंकर जी यहाँ पर विराजमान है। ये माता रानी का बब्बर शेर भी है और भी बहुत सारे। ये नर मुंड, माता रानी के हाथ में एक राक्षस की मुंडी भी है। ये माँ जगत जननी, ये देखिए बहुत ही सुंदर प्रतिमा माँ माता रानी की। ये देखिए एक और देवी माँ, मतलब इनके यहाँ पर तो, भैया के यहाँ पर तो बहुत सारी देवी जी बनाई गई हैं। बंगाली पैटर्न में हैं, दुर्गा जी हैं, काली जी हैं, सभी के अलग अलग रूप इन्होंने बनाए हैं। ये देखिए आप, एक देवी जी ये रहीं। एक माता रानी ये रही, आप देख रहे हैं वर्क कितना शानदार किया गया है। उनकी साड़ी, उनका पूरा मेकअप का रूप, जिस हिसाब से उनका मुकुट है वैसे ही उन्होंने साड़ी पहनी है। ये देखो मैं अपने आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, एक देवी माँ ये रही। ये देखो आप कितनी सुंदर लग रही हैं वो। ये देखो आप देवी माँ को, एक देवी माँ ये हैं, देख रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर दिख रही हैं माँ जगत जननी। एक माता रानी ये देखिए आप, ये भी इनका अलग रूप है। एक देवी माँ देखिए ये, सभी मतलब अलग अलग प्रकार की माता रानी बनाई हैं और बहुत सुंदर माता रानी है भाई, आप भी देख ही रहे होंगे। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ थोड़ा, बहुत ही सुंदरता उनके चेहरे पर दिख रही है। और दोस्तों, जो माता रानी मेरे हाइट के हिसाब से होती है ना, उनका वीडियो बनाने में एक अलग ही बात होती है। जैसे कि ये देवी जी हैं ये, तो इनको अपन सामने से दिखा पा रहे हैं बढ़िया, और जो देवी जी ऊपर होती हैं तो थोड़ा सा कठिनाई होती है उनको दिखाने में, लेकिन फिर भी मैं आपकी कोशिश करता हूँ अपनी कि आप देख सकें।
ये देखो आप कितनी सुंदर हैं, माता रानी की साड़ी, ये उनकी ज्वेलरी बंगाली पैटर्न में, और ये माता रानी का चेहरा बड़ा सुंदर सा, ये उनका मुकुट। बताओ आपको कैसी लगी दोस्तों, जय माता दी लिखें प्लीज़ फ्रेंड्स, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। एक देवी माँ ये रहीं दोस्तों, आप लोगों से कहा था यार कि दोस्तों भाई के 10,000 सब्सक्राइबर करवा दी थी जल्द से जल्द, पर जब से मैंने कहा है तो सब्सक्राइबर और स्लो हो गए, पहले तो अच्छे बढ़ ही रहे थे, पर सभी देख रहे हैं अच्छा व्यू आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर सब्सक्राइबर रुक गए हैं थोड़ा सा। मैं सोच रहा था कि आप लोग 10,000 पार करवा देंगे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, जो लोग कर रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, और उनका प्यार ऐसा ही बना रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है कि वो भी खुश रहें और जो नहीं कर रहे हैं वो भी खुश रहें। एक देवी माँ ये रहीं, बहुत सुंदर माता रानी बनाई है वाकई में। मैं उन भाइयों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने कहा कि भैया आप कालीबाड़ी पे जाइए, वहाँ का ब्लॉग बनाइए, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ दिल से। ये देखिए आप कितनी सुंदर माता रानी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि माँ बोल देंगी कि बताओ सब्सक्राइबर्स आपको क्या चाहिए, और ए यूट्यूब वाले भैया आपको क्या चाहिए बताइए, भगवान देखते हैं सब जगह होते हैं ये तो आप जानते ही हैं, और माता रानी 9 दिनों के लिए आकर हमारे साथ रहती हैं, हमारे सुख दुख में साथ रहती हैं, और एक खुशी का माहौल तैयार कर देती हैं वो। ये देख सकते हैं आप पूरी माता रानी यहाँ से लेकर वहाँ तक बनाई गई हैं, देख ही पा रहे होंगे आप, और बहुत सुंदर तरीके से बनाया है यहाँ पे भैया लोगों ने, आपको भी अच्छा लग रहा होगा देख कर के, वाह यार भैया यार कितनी सुंदर माता रानी है। और आपको एक और दिखाता हूँ प्रतिमा, ये रही माँ जगत जननी, ये रहीं यहाँ पर भी, यहाँ से अपन जाते हैं तो यहाँ पर भी हैं, ये देखो आप ये रहीं, उसके बाद में फिर यहाँ पर भी माँ जगत जननी हैं, ये रहीं लगातार देवी माँ यहाँ पर विराजमान हैं अभी पंडाल में, देखो आप उसके बाद में फिर यहाँ से भी लाइन चालू होती है, ये देखिए यहाँ से ये देखो आप कितनी सुंदर लग रही हैं देखने में, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप पपर शेर राक्षस माँ जगत जननी, एक यहाँ पर ये रहीं, इधर इनके पास में भी पपर शेर राक्षस है, शंकर जी भी हैं साथ में, और ये देखिए आप यहाँ पर भी, फिर ये इधर भी, ये देखो यहाँ पर फिर एक और ये रहीं, पर यहाँ से जाते 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 यहाँ भी और ये भी, और आप देखो उनकी कितनी प्यारी साड़ी है, ये देखो आप यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर, और ये ऊपर भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी माता विराजमान हैं, और एक देवी माँ ये रहीं, देखिए आप उनकी साड़ी कितनी सुंदर है वाकई में, और माता रानी का चेहरा भी आप देखो बहुत ही सुंदर है। जय माँ जगत जननी, सभी पर कृपा बनाए रखना, सबके घर में खुशियाँ बहुत आएँ। एक देवी माँ ये हैं, देखो उन्होंने भी बढ़िया प्यारा सा लहंगा पहना हुआ है या साड़ी दोस्तों, आप लोग बताएं। ये देखो माँ जगत जननी आशीर्वाद देते हुए अपने सभी भक्तों को, एक देवी माँ ये रही, उन्होंने साड़ी पहनी है बहुत ही सुंदर, देखो आप उनका नेकलेस, और ये देवी माँ आशीर्वाद दे रही हैं अपन को, कैसी लगी आपको बताइए, मुझे तो बहुत सुंदर लगी और आपको भी सुंदर लगी होंगी। एक ये देखो माता रानी रथ पर विराजमान है, ये देखो उनका प्यारा लहंगा या साड़ी कह सकते हैं, ये माँ जगत जननी, ये देखो आप राक्षस जी, ये देखिए शंकर जी हैं यहाँ, और माता रानी काली माता ये रहीं सामने, आप देखिए काली माता के दर्शन करिए, ये काली जी रहीं, एक देवी माँ यहाँ पर हैं, ये देखो आप,
एक देवी माँ ये रही, देखो आप, मैं दिखाता हूँ आपको उनको। ये साड़ी देखो आप, कितनी सुंदर साड़ी है उनकी, और ये पूरा उनका रूप। छोटी सी देवी माँ उनके बगल में रही, ये देखो आप, वो भी कितनी सुंदर लग रही है देखने में। देवी माँ की साड़ी ये देखो आप, कितनी सुंदर लग रही है, और बहुत ही सुंदर वाकई में। हे माँ जगत जननी, सभी पर कृपा बनाए रखना, ऐसे मेरी प्रार्थना है आपसे। और ये देखो दोस्तों, ये पूरी तैयार कर रहे हैं भैया, लगातार लगातार यहाँ पर रथ पर विराजमान हैं छोटी छोटी माताएं, मतलब कोई अग्निदेव में हैं, कोई पेड़ के उपास हैं। बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पर भैया द्वारा बनाई गई हैं। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक देवी माँ, ये देखो अभी आप उनके बाल लग रहे हैं यहाँ पर, ऊपर शंकर जी हैं, मोर भी दिख रहा होगा आपको साथ ही। एक देवी जी ये हैं जो रथ पर हैं, और देखो आप कितनी प्यारी उन्होंने पगड़ी पहनी है, बहुत ही सुंदर लग रही है। आपको कैसी लगी बताइए ये पगड़ी वाली माता जी। ये देखो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदरता उनके चेहरे से झलक रही है। एक देवी माँ ये रही जो नाव पे विराजमान है, और देखो आप गणेश जी हैं, बब्बर शेर हैं, राक्षस है, माता रानी हैं, ऊपर शंकर जी हैं, और एक छोटी सी देवी जी भी हैं साथ में। ये और देखिए आप, एक और ये प्रतिमा छोटी सी माता रानी की, बहुत ही सुंदर। देखो आप कितना प्यारा चेहरा उनका लग रहा है, अभी इसमें थोड़ा सा बाल लगना बाकी हैं, और आप देख ही सकते हैं कि पूरी तरह से तैयार हो गई हैं वो। एक माता रानी ये भी हैं, ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर रूप उनका। एक देवी माँ ये हैं देखो आप, ये शंकर जी और ये साथ ही माता जी यहाँ पर, कैसी लगी आपको बताइए। ये देखो मैंने आपको वाइड एंगल चालू करके दिखा रहा हूँ, बहुत पास में हूँ क्योंकि मैं यहाँ माता रानी के। ये माता रानी और एक और जो नाव में विराजमान है, एक देवी माँ ये भी हैं जो सामने आशीर्वाद दे रही हैं आप सभी को। बोलो जय माता दी। ये देखो आप मोर हैं बहुत सारे उनके साथ, एक देवी माँ ये भी हैं, और उनके ऊपर भी शंकर जी आशीर्वाद देते हुए। एक देवी जी ये रहीं जो हाथी के साथ विराजमान हैं, ये देखो आप हाथी, और ये देवी माँ। ये बड़ी ही प्यारी छोटी छोटी देवियां हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप बहुत सारी हैं, और यहाँ पर हैं वो। ये देखो आप सभी साइड में शंकर जी हैं, शिवलिंग है, माँ जगत जननी बब्बर शेर पर विराजमान हैं। कैसी लग रही हैं आपको बताएं आप कमेंट्स में लिखकर। ये यहाँ भी देवी माँ हैं छोटी छोटी सी, बहुत ही सुंदर हैं, देख रहे हैं आप मेरे सामने, आपके सामने। ये देखो अभी ये देवी जी को तैयार होना है थोड़ा सा। ये देखिए माता रानी, और ये भी एक देवी माँ छोटी सी बड़ी प्यारी, और ये देखिए आप कितनी सुंदर माता रानी है, बंगाली पैटर्न में है ये। आप लोग कह रहे थे भैया मुझसे बंगाली पैटर्न में है वहाँ, वाकई में आप सही कह रहे थे सभी। देवी माँ ये हैं देखो आप, कितनी सुंदर हैं, और बहुत ही सुंदर उन्होंने साड़ी पहनी हुई है। देखो आप दोस्तों कैसी लगी आपको बताइए। एक देवी माँ ये हैं, उन्होंने भी बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी है। ये देवी जी ने भी बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी है। फ्रेंड्स आप अगर सामने से देखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगी वो आपको। ये देखो आप,
ये माता रानी का पूरा मैंने आपको दिखाया है, और साड़ी देखो आपको दिखाता हूँ, ये उनकी साड़ी है। देखो आप कितना अच्छा उसमें वर्क है साड़ी में, बहुत ही सुंदर। जब लाइटिंग में वो जहाँ पर बैठेंगी तो मानना पड़ेगा भैया, माता रानी कितनी सुंदर बनाई है। ये राक्षस भाई गुस्से में, ये माँ जगत जननी, और बहुत सारी देवी जी यहाँ पर बनाई हैं। देखो आप लगातार लगातार यहाँ वहाँ सब जगह, कहीं कहीं पे अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, कलर हो रहा है अभी कुछ कुछ देवियों में। ये देखो आप सभी जगह। देख रहे हैं फ्रेंड्स, माँ जगत जननी के रूप अनेक रूप हैं माँ जगत जननी के यहाँ, और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है यहाँ के भैया ने, जो कि अपने कालीबाड़ी है उसका नाम बताते हैं सभी, यहाँ पर लिखा है। एक छोटा सा माता रानी का मंदिर भी है यहाँ काली जी का। देखो आप लगातार देवी जी, और बता रहे हैं कि एक भी माता रानी एक्स्ट्रा नहीं है, सभी बुक हैं, जो जितनी बुक हुई उतनी ही बनाई हैं उन्होंने। ये राक्षस भाई, ये देखो आप माता रानी की साड़ी, ये देखो आप कितनी सुंदर माता रानी की साड़ी है भाई। देखो आप ये देखिए माँ जगत जननी कैसी लगी आपको, बताओ आप फ्रेंड्स। ये देखो आप देवी माँ, यहाँ से लेकर ये यहाँ पर भी देवी माँ, फिर ये भैया अभी ढांक दिया है किसी ने शायद, और ये देवी जी, यहाँ भी देवी माँ, सब जगह माता रानी हैं यहाँ पर अभी, और बहुत ही सुंदर माता रानी बनाई हैं भैया। यहाँ से फिर छोटी देवी जी चालू हो जाती हैं मेरे दाएं बाएं। फ्रेंड्स अब अपन निकलते हैं घर के लिए, अपन 3 बजे के आसपास निकले थे ब्लॉग बनाने के लिए आज। तो आप लोगों का प्यार भी है और मुझ पर, कि आप लोगों ने कहा कि भैया आप मुझे वहाँ की प्रतिमाएं दिखा दो दिखा दो। तो अपन आज निकल आए थे 3 बजे के आसपास, और आप देख ही रहे हैं आस पास सब जगह पे माता रानी ही माता रानी है। तो कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग बताना आप दोस्तों, और कोई गलती यदि मुझसे हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और आपका प्यार बना रहे। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइबर भी जल्दी गेन करिए, मैं बहुत प्रयास करता हूँ आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ब्लॉगिंग करने के लिए, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ ब्लॉग बनाते ही रहते हैं अपन। और आपको कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग वो भी बताइए आप, कोई गलती कोई अच्छाइयाँ हैं मेरी मुझ में तो वो भी आप बताइए, तो मुझे सुधारने को अच्छा लगेगा, और जो मेरे में अच्छाइयाँ होंगी वो सुनकर भी मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, अब जाते हैं अपन यहाँ से सीधे घर, या एक आध जगह और चलते हैं अभी अपन, एक पूर्वांचल क्लब और जाकर देखते हैं, शायद वहाँ पर देवी माँ में कलर हो गया होगा अगर, तो वहाँ का ब्लॉग भी मिल जाएगा अपन को। तो बस यही प्यार आप लोग का रहे मुझ पर, बहुत है यार, देवी माँ का आशीर्वाद सब पर रहे मुझ पर भी रहे, यही प्रार्थना रहती है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जय माता दी।